अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबर का फल मीठा होता है, जो करते हैं सबर अल्लाह पाक उन्हें खुद साबर बना देता है कि अब सबर का फल कोई भी नहीं खाता, सबको आदत पड़ गई हुई है कड़वा फल खाने की। सबर का फल इस वक्त कड़वा ही मिल रहा है। अल्लाह का शुक्र है सबर का फल मीठा, जो सा मर्जी दे दो, सेब का ले लो, गाजर का, केले का ले लो, अमरूद का ले लो, तरबूज का ले लो। अभी तक तो नहीं, लेकिन इंतजार करें कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो टाइम आएगा हम सबर का फल मीठा चखेंगे। शादी में उस महीने सबर से काम लिया तो उसका फल बहुत ज्यादा मीठा, यकीन करो सबर का फल फल से भी ज्यादा मीठा होता है। कितना मीठा होता है? इतना मीठा होता है बंदा अंदाजा नहीं लगा सकता उस चीज का। अल्लाह का शुक्र है, कोई भी काम आप बहन भाइयों से लेके इवन कारोबार से लेके कोई भी तरक्की के काम करना है तो आपको सबर करना पड़ेगा। सबर का फल हमेशा मीठा होता है, हमारे बड़ों ने और हमारे बाप दादों ने यही सिखाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान ज़ोया नदी। और मैं हूँ आपका मेजबान माहिद अब्बासी। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है सबर। आप जानते हैं कि बड़ों की एक मिसाल है कि सबर का फल कितना मीठा होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं हम आवाम की तरफ और आवाम से जानते हैं कि वो कितना सबर करते हैं और उनकी क्या स्टोरी है, अगर उन्होंने सबर किया है तो किस टॉपिक पे किया है और किस मेथड पे किया है। आइए चलते हैं आवाम की तरफ, उनसे जानते हैं उनका क्या ख्याल है कि सबर करना चाहिए या नहीं, और अगर सबर करना चाहिए तो सबर का फल मीठा मिला या कोई और ले गया उनका सबर का फल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का जी। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि सुना है सबर का फल मीठा होता है, क्या आपने कभी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबर का फल मीठा होता है, जो करते हैं सबर अल्लाह पाक उन्हें खुद साबर बना देता है, सबर का फल मीठा ही होता है। लेकिन हम लोग जो हमारी आवाम अब सबर का दामन छोड़ चुकी है, जो हालात हैं, जो मुल्की हालात हैं, जो इस टाइम चीज़ें बनी, ये अब सबर का दामन सब ने छोड़ दिया हुआ है। अब कोई भी सबर का फल नहीं खाता, अब बेसब्री का फल खाते हैं, वो कड़वा है, ये आपको भी पता है, सबको पता है। सबर का फल खाने वाली दुनिया अब नहीं है, अब बेसब्री का फल खाने वाले हैं, ये हमारी सियासत को भी पता है और हमारी आवाम को भी पता है कि अब सबर का फल कोई भी नहीं खाता, सबको आदत पड़ गई हुई है कड़वा फल खाने की, मीठा फल कोई भी नहीं खाता अब। अगर इसके अलावा कोई बात है तो करें अब जाहिर। तो आप बताएं कि आपने कभी मीठा फल खाते हैं या कड़वा खाते हैं? बात तो घूम के फिर वही आ गई, कोई मीठा फल तो मिल ही नहीं रहा अब तो फल मिल रहा है कड़वा। मीठा फल जो है ना वो गरीब की पहुँच में नहीं है, वो जो है ना अब कड़वा फल खाने की गुंजाइश है, कड़वा खा रहे हैं सब, क्योंकि मीठा तो हुआ है सबर से, वो सबर करेंगे तो मिलेगा, सबर है नहीं अब किसी के अंदर। बात है सीधी सीधी, अब जो है कि जो सियासत ने, जो हुकूमत ने हम लोगों के साथ कर दिया है, पिछली हुकूमत ने, खान साहब की हुकूमत ने इस आवाम को इतना डुबो दिया हुआ है कि आप मीठा फल खाने की गुंजाइश में नहीं है, अब आप सिर्फ कड़वा फल खाने की गुंजाइश में है। इमरान खान ने इस मुल्क को इस जुराहे पे खड़ा कर दिया है कि अब मीठा फल आप नहीं खा सकती। अब अगर आप कहेंगे ना आपको कहीं से मीठा फल मिल जाए, नहीं, कड़वा फल है वो मिलेगा, क्योंकि हर बंदे को जल्दी है, अब किसी के पास टाइम नहीं है। अब ये हमारी हुकूमत के पास भी टाइम है ना, वो भी अभी इकट्ठा कर रहे हैं इसे कि अब वो मीठा फल इकट्ठा कर रही है मुस्लिम लीग नून, क्योंकि इमरान खान ने इतना का कड़वा फल इस मुल्क के अंदर फैला दिया हुआ है कि अब उसको कड़वे फल को बाहर निकालने के लिए, मीठे फल को लगाने के लिए टाइम लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तलहा। तलहा भाई ये बताओ कि जैसे कि आप जानते हो सारे कहते हैं कि सबर का फल जो होता है मीठा होता है, आपने कभी चखा है? नहीं। नहीं चखा? नहीं। कभी सबर नहीं किया किसी चीज़ के लिए? नहीं। क्या करते हो? काम करता हूँ। स्टडी करते हो? नहीं। काम क्या करते हो? गड़ियों का। गड़ियों का काम? हाँ जी। तो कभी सफर नहीं किया किसी भी काम के लिए? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। सर मेरा आपसे ये सवाल है, सुने सबर का फल मीठा होता है, क्या आपने कभी चखा है? जी सबर का फल तो ये बड़ों की मिसाल है कि मीठा होता है, बट चखने में तो चखा भी लिया, समझ यही के चख लिया। वो इसके अलावा आप कुछ कहना चाहें? कहना यही चाहता हूँ कि सबर का फल, आपका क्वेश्चन तो ठीक है सबर का फल मीठा है, लेकिन ये कि मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ आप किसी भी चीज़ को उठाकर चेक कर लें, इस वक्त देखा जाए तो सबर का फल इस वक्त कड़वा ही मिल रहा है, हुकूमत के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से, कारोबारी के लिहाज से, हर तरफ से कड़वा फल ही मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल है आपके? लगा शुक्र। अच्छा सर, जैसे कि आप देते हैं बड़ों की मिसाल सुनी है आपने कि जो होता है ना सबर का फल बड़ा मीठा होता है, आपने कभी चखा है? जी वो चखा, सबर का फल मीठा ही होता है। कुछ बताएं जरा कि आपने किस टॉपिक पे कैसे चखा है, आपने कैसे आपने सबर किया, किस काम में? बहुत कौन है हमें कारोबार में कैसे सबर किया, मतलब कोई कहानी होती है ना सबर करने की, मैंने ऐसे सबर किया, एग्जाम्पल दे। काम कारोबार में किया हुआ है, बड़ा सुकून, अल्लाह का शुक्र है सबर का फल मीठा है, बस फल मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है बहुत मिल रहा है फल। हम कौन सा जो सा मर्जी दे दो,
सेब का ले लो, गाजर का, केले का ले लो, अमरूद का ले लो, तरबूज का ले लो, सारे मिलते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। आप सुनाएं। तो जैसे बड़ों की मिसाल है सब्र का फल मीठा होता है, क्या आपने कभी अभी तक तो नहीं, लेकिन इंतजार करें कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो टाइम आएगा, हम सब्र का फल मीठा चखें। वो टाइम कब आएगा? इंशाल्लाह बहुत करीब है, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए इंशाल्लाह, अल्लाह पाक बेहतर करते हैं। चले बहुत शुक्रिया आप। जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो माशाल्लाह आप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, खींच के आपने शेप के कर, बहुत ज़्यादा खींच के, है ना, फुल लशपश हो रहे हैं। अच्छा आपसे मेरा ये एक सवाल है कि जैसे बड़ों की मिसाल है कि सबर का फल मीठा होता है, तो आपने कभी चखा है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मीठा ही होता है। नहीं मीठा तो होता है, मीठा ही होता है। मतलब आपके साथ जो एंकर आई है वही सबसे ज्यादा सही है, मुझे लगता है उन्होंने भी चखा है। नहीं कभी चखा होता ना कि भाई हाँ मैंने चखा था, ये हुआ था, ये कन्ने कुदरत है कि सबर का फल मीठा ही होता है। आपने किस चीज़ में बेसब्रे के लिए जो होता है ना वो खट्टा होता है। आपने किस चीज़ में सफर किया? शादी में? हर चीज में सफर से काम लिया। शादी में उस महीने सफर से काम लिया, उसका फल बहुत ज्यादा मीठा है, यकीन करो। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। वैसे तो आपने सब्जी लगाई हुई है लेकिन फिर भी आपको फलों का तो नहीं पता होगा, फिर भी हम सारा पता। अल्लाह का शुक्र है सारा पता है, फलों का भी सब्जी का भी। क्या क्या पता है? हर चीज पता जो आपको नहीं पता। नहीं फलों के बारे में कुछ बताएं। क्या बताएं, फल सारे मीठे होते हैं। सबर का फल पूछ रही है, सबर का फल मीठा होता है या कड़वा? सबर का फल फल से भी ज्यादा मीठा होता है। कितना मीठा होता है? इतना मीठा होता है बंदा अंदाजा नहीं लगा सकता उस चीज का। तो फिर आपने चखा है? हाँ जी। कैसे चखा है? सबर करके। सबर करके कितना सबर किया? बड़ा सबर करा, अल्लाह ने ताँ दे इधर इस मुकाम में भेजा। अच्छा तो फिर आप फल लगाए ना, ये तो आपने सब्जी लगाई। फल भी लगाते हैं सब्जी भी लगाते हैं, दोनों लगाते हैं। फल नजर तो नहीं आ रहा। दूसरी दुकान पे लगा हुआ है। हाँ जी। अच्छा दूसरी दुकान कहाँ है? गुलबर्ग। मैं क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान भाई आपसे मेरा एक सवाल है छोटा सा, कि बड़ों की मिसाल है सबर का फल मीठा होता है, आपने कभी चखा है? यार हम भी जर्मन गल मीठा होता है जी, कोई झूठ नहीं है, हकीकतन मीठा होता है। लगता है अपनी मर्जी का फल आपने खाया, क्या मतलब कोई एग्जांपल दे ना, कैसे आपने सबर किया, शादी में, गर्लफ्रेंड में, किस में? हमारी गर्लफ्रेंड कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर किस में आपने सबर किया और मीठा मिल सब? यार है बड़े चंगा यार है, उन्हें से फल वेखे असं, साढ़े को खलोता 7 फुट कद ही होता। हाँ बस हाँ। अच्छा नाले दौड़ पे पर ये सबर के फल के हिसाब से जो हम लोगों को कहते हैं कि यार सबर करो मीठा फल मिलेगा, आप ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे इसके हवाले से कि सबर करना चाहिए? अच्छा उसको गर्मी बड़ी तनु मिलेगा, बहुत मीठा होएगा। सबर का फल मीठा मिलता है, बड़ों ने भी यही बताया कि यार सबर का फल जो होता है वो मीठा होता है। आपने किसी काम में किसी ऐसे फील्ड में सबर किया जो मीठा मिला हो, कोई कारोबार में या कोई भी? अल्लाह का शुक्र है कोई भी काम, आप बहन भाइयों से लेके इवन कारोबार से लेके कोई भी तरक्की के काम करना है तो आपको सबर करना पड़ेगा। सबर का फल हमेशा मीठा होता है, हमारे बड़ों ने हमारे बाप दादा ने यही सिखाया कि बेटा किसी को देख के रंग नहीं पकड़ना, सबर करना है, जब अल्लाह ताला ने आपको देना है वह अल्लाह ताला की मर्जी होगी वह भी मिलना। अपना एग्जाम्पल देना किसी चीज़ का जो आपके साथ हुई हो कि हाँ मैंने ये काम करना चाहा फिर मैंने सबर किया और काम। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ऐसे काम है जो सबर के साथ हुए, वो जो जज्बात में आके किए हमेशा खता ही खाएंगे। ठीक है ये मेरा ईमान है। सबर का फल मीठा होता है बस। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन सबर के बहुत से तरीके हैं, सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका वाहिद कौन सा? सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका तो मैं खुद भूल गया हूँ, लेकिन आप जरूर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत, अगले मिलते हैं प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।